हेलो एवरीवन, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड कटलेट, तो आइए बनाना शुरू करते हैं। उसको बनाने के लिए हमने ये ब्रेड लिया है, इसके किनारे का भाग काट के निकाल लेंगे ऐसे हर तरफ से, और बीच का ये हमारा बच जाएगा, इससे हम बनाएंगे। सारे ब्रेड का ऐसे काट लेंगे। देखिए, ये हमने पूरा ब्रेड काट के ले लिया। पीछे हमने उबले हुए आलू लिया है, अब इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। ये एक प्याज है जिसको हमने छोटा छोटा काट के लिया है, हरा धनिया। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और सबको मिलाएंगे। देखिए, ये हमने अच्छे से मिला लिया। अभी जो हम ब्रेड काट के रखे थे किनारे वाला भाग, उसको हम मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। ये ब्रेड पीस के हमने ले लिया, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, ऐसे बारीक होना चाहिए तो अच्छा बनेगा। ये 3 चम्मच मैदा लिया है हमने, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे और एक पेस्ट तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, देखिए पेस्ट बन गया। ये जो हमने ब्रेड काट के रखी थी, उसको बेलन से थोड़ा थोड़ा बेल के पतला कर लेंगे ऐसे। अब इसमें आलू वाली जो फिलिंग हमने बनाई थी, उसमें थोड़ा थोड़ा भरेंगे और अच्छे से चिपका के ऐसे बना देंगे, ताकि वो बाहर ना निकले, अच्छे से सेट हो जाए। अब फिर मैदा का जो घोल बनाया था उसमें डालेंगे। अब उसके बाद ब्रेड क्रम्ब से कवर कर देंगे अच्छी तरह से ऊपर नीचे, और उसको फ्राई करने के लिए डाल देंगे। ब्रेड क्रम्ब्स लगाने से हमारे कटलेट एकदम क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। इसको मीडियम फ्लेम पे थोड़े देर पकाएंगे। देखिए, हमारे कटलेट बनके तैयार हो गए हैं। इसका कलर कितना अच्छा आया है। अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो उसको आप झटपट में बना के खिला सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।